हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पटना में नहीं खड़े हैं, दरभंगा में खड़े हैं। दरभंगा में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के बाहर खड़े हैं और आए हैं दरभंगा के स्ट्रीट फूड ऑप्शन को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए हैं गुरुद्वारा के बाहर एक सरदार जी का बहुत फेमस प्याजू का दुकान है। यहाँ का जो प्याज का पकौड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यही हम लोग आए हैं। देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें कि इतने लोग रिकमेंड किए हैं कि सरदार जी का पकौड़ा ज़रूर खाइएगा। पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, डिस्क्रिप्शन में जो इस जगह का लोकेशन है वो डाले हुए हैं। चलते हैं, बात करते हैं उनसे और देखते हैं यहाँ के पकौड़े में ऐसा क्या खास है। शॉप है जहाँ की हम लोग आए हैं और समोसा भी दिख रहा है यहाँ पर। ये प्याज का पकौड़ा, ये जो पकौड़ा आप देख रहे हैं ये प्याज का पकौड़ा हो गया, और इधर जो है ये कचौड़ी हो गया, और लोग बैठ के बहुत चाव से यहाँ खा रहे हैं। यही है इस शॉप के ओनर, और देख सकते हैं कितने बिजी हैं लोग, मतलब खड़े हैं, लोगों को पैसा वैसा देना है, काफ़ी बिजी हैं। बट थोड़ा सा इनसे हम लोग टाइम लेंगे और पूछेंगे इनके बारे में। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह हुआ। गुरमीत? गुरमीत। अच्छा, और कितने पुराना ये शॉप है? शॉप तो काफ़ी पुरानी है, पापा ने मेरे स्टार्ट किया था। अच्छा, और अभी भी आते हैं पापा, चाहते मतलब यहीं के रहने वाले हुए हैं? हाँ, प्रॉपर हम यहीं के रहने वाले हैं। आप लोग शायद पाकिस्तान से भी? हाँ, वो दादाजी आए हुए थे बटवाड़े। अच्छा, के टाइम में लाहौर से आए हुए थे, तो लाहौर से फादर जो है वो पाकिस्तान से पटना दरभंगा, और तब से हम लोग यहीं के यहीं रहे। तो ये जो रेसिपी है ये आपके ग्रैंडफादर लेके आए पाकिस्तान से, या यहीं आप लोग डिसाइड किए कुछ? नहीं, एक्चुअली ये रेसिपी जो है ना, एक सरदार जी यहाँ रहते हैं। अच्छा, वो हैं बगल में, अभी जिंदा ही हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, क्योंकि आपका जो पकोड़ा है ये भी कुछ अलग तरीके का लग रहा है, ये जो साइज़ वगैरह है, मेकिंग देखिएगा ना उसका कैसे बनता है तो पता चलेगा। और ये पकौड़े के साथ में क्या देते हैं? पकौड़े के साथ भैया यहाँ पर लोग सब चीज़ च्वाइस करते हैं, जैसे कि दो दो टाइप की चटनी हो गई, उसके बाद एक पिकल आता है, उसके बाद छोला होता है, जैसे कस्टमर है वैसा डिमांड करते हैं। ये हमको ये भी दीजिए, वो भी दीजिए। क्या हो गया? कड़ी हो गया। कड़ी हो गया, ये पकोड़े के साथ में कड़ी दिया जाता है। अच्छा, और ये हो गया आपका चटनी, ये हो गया मीठी चटनी, मीठी चटनी, और साथ में छोले भी देते हैं। हाँ, छोले भी कस्टमर मांगते हैं तो छोले भी देते हैं। क्या रेट है पकोड़े, एक पकोड़े का? 15 रुपया। 15 रुपये, 15 रुपये में कड़ी ले सकते हैं, चटनी या छोला, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, और यही तीन चीज़ मिलता है आप लोग के यहाँ? जी जी। तो अब चलते हैं अंदर, थोड़ा मेकिंग वगैरह देखते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, लोग लाइन लगाए हुए हैं, कोई पीछे पड़े हुए हैं कि मेरा पैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो अब चलते हैं अंदर, और अंदर चल के ज़रा देखा जाए कि किस तरीके से बनता है, और ऐसा खा के ये देखते हैं कि ऐसा क्या खास है जो इतना फेमस हुआ ये। इधर जो है हमारा पकौड़ा बन रहा है अंदर में, और ये जो है इनका उसका बैटर वगैरह रेडी किया जा रहा है। इधर देखिए, इधर हमारा पकौड़ा बन रहा है, इनका स्टाइल देखिए किस तरीके से प्याज को कट किया जा रहा है। और ये देखिए, ये जो मसाला है ये प्याज के अंदर फिल किया जाता है, इसमें क्या क्या डालते हैं इस मसाले में? इसमें 10 मसाला है, इसमें 10 तरह का आपका स्पेशल मसाला है। हाँ जी, इसमें अमचूर है, मिर्चाई है, जमाइन मंगरेला है, गरम मसाला है। बड़ा यूनिक स्टाइल है, इस तरह से प्याज को ऐसे काट के मसाला फिल करता है। और ये क्या हो गया, इसमें क्या है? इसमें बेसन है, बेसन है, इसी में तलेंगे डाल के। बेसन है और क्या क्या है? बेसन है, नमक है। इसको डिप कीजिएगा और फिर सीधे फ्राई करेंगे। हाँ, फ्राई करेंगे। देखिए बेसन के अंदर डिप किया जा रहा है और इधर किया जा रहा है फ्राई। ये क्या है, रिफाइंड ऑयल है? हाँ, रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड में फ्राई होती है। कितने देर में पूरा फ्राई हो जाता है? ये अभी एक बार हो रही है, इसके बाद फिर डबल होगा। अच्छा, डबल फ्राई होता है। तो एक बार इसको फ्राई करके निकालिएगा, फिर दोबारा फ्राई कीजिएगा, फिर बेसन में डालेंगे, फिर डालेंगे, फिर से बेसन में भी डालिएगा। इसका क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? एक बार में सीज नहीं पाता है, कच्ची रह जाती है, इसीलिए दो बार में करना पड़ता है। अच्छा,
इधर देखिए जो हमारा प्याजू था वो फ्राई हो चुका है, अब निकलने वाला है बाहर। एक बार ये ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, फ्राई होकर निकला, वापस से डाला जा रहा है बेसन में और एक बार फिर से डबल फ्राई किया जा रहा है। तो अब ये कितने देर तक और फ्राई होगा? बस 5 मिनट और। 5 मिनट और, 5 मिनट में ये हो जाएगा रेडी। और एक का रेट क्या होता है? 15 रुपये। 15 रुपये और सर एक बार रेडी हो जाए फिर खाया जाए इसे। तो हमारा प्याजू है ये हो चुका है तैयार। भैया रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया, अभी से निकाला जाएगा। हाँ निकाला जाएगा। एक दिन में कितना टोटल आप लोग प्याजू बनाते हैं सर? भाई 200-300 जैसा वैसा। 300 के आसपास। अच्छा, ये देखिए काफ़ी बड़े साइज का प्याजू है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा कोई प्याजू कभी देखे हैं पहले। तो हमारा देखिए गर्मा गर्म प्याजू बनकर आ चुका है। तो ये क्या किए, सबसे पहले क्रश किए। तो ये देखिए इस तरह से सर्व किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है क्रश, उसके बाद फ्लेवर के ऊपर है। आप क्या खाएंगे? आप क्या खिलाइएगा? आप जो खिलाइए वो खा लेंगे। आप खाइए, सब मिला के खिला दिए। थोड़ा सा डाला गया इसके ऊपर कड़ी, अब डाला गया मीठी वाली चटनी। ये प्लेट का क्या कॉस्ट हो गया? इसके साथ छोला भी देते हैं हम लोग, कस्टमर डिमांड करता है तो दे दीजिए ना, हम भी डिमांड कर रहे हैं। सब आप पे छोड़ दिया था, इसलिए कोई डिमांड नहीं की है। ये इसका क्या है, क्या रेट हो गया इसका? इसका 15 रुपये पीस। 15 रुपये रेट है। अब करते हैं ट्राई। तो हमारा गर्मा गर्म प्याजू आ चुका है। आप रेगुलर कस्टमर हैं यहाँ के? नहीं भाई, पहली बार खा रहे हैं? नहीं, हम हमेशा इधर आते तो खाते हैं। वही तो पूछे, रेगुलर कस्टमर है मतलब हमेशा खाते हैं यहाँ पे? आते हैं तो इधर। अच्छा, नहीं आते तो नहीं खाते हैं। टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? यहाँ का सबसे अच्छा टेस्ट है, सबसे अच्छा टेस्ट है यहाँ का। चलिए तो आराम से आप खाइए, अब हम लोग भी ज़रा खा के देखें टेस्ट। सबसे पहले इसके ऊपर देखिए 3 डिफरेंट चीज़ डाला गया है। एक हो गया छोला, फिर है मीठी वाली चटनी और नेक्स्ट है कड़ी। तो मतलब समझ सकते हैं कितना कम्बाइंड सा फ्लेवर आने वाला है। प्लस जो प्रेजेंटेशन है 15 रुपये के हिसाब से बहुत सही, जिस तरीके से बना के दिए थे वो प्याज का वो कमल वमल खिलवा दिए थे। किया जाए टेस्टिंग। प्याज जो है उसका बिल्कुल ही एक रॉ सा फ्लेवर आएगा, जो प्याज का अपना स्वाद होता है वो वाला स्वाद आएगा। अभी हम सिर्फ प्याज टेस्ट किए हैं, अब ये जो ऊपर का कोटिंग है इसे खाएंगे। मशहूर है यहाँ पे, पूरे दरभंगा में मशहूर है। और ऐसा कोई बनाता भी नहीं? कोई नहीं बनाता है। नहीं, हम लोग भी मेकिंग देखें, ऐसा कभी देखे नहीं थे पहले, कोई बनाता ही नहीं है सर। अभी तो हम लोग पटना से यहाँ खाने के लिए ही आए हैं। ऐसे ही इतना मशहूर नहीं है, स्वाद भी लाजवाब। जो बेसन है उसमें एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है, प्याज तो नॉर्मल का टेस्ट दे रहा है, मेन जो टेस्ट दे रहा है वो ऊपर में जो एड ऑन का चीज़ है, चटनी छोला कड़ी प्लस जो बेसन में ये लोग मसाला यूज़ करते हैं और प्याज के अंदर भी जो मसाला डाले हैं बहुत सही। तो दरभंगा से अगर हैं तो कमेंट करके बताइए, आप तो यहाँ खा ही होंगे, इस जगह के बारे में जानते ही होंगे। अगर आप दरभंगा से नहीं हैं, कभी दरभंगा आने का प्लान बना, रुक के स्नैक्स के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़त्म करते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच।